राजनपुर में यौम अशूर के क्याम जुलूस निकाले जा रहे हैं। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह जाफरिया से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। मजीद जान लेते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे कौर फहीम से। कौर फहीम, बताइएगा जुलूस के गुजरगाहों पर कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, राजनपुर में यौम अशूर के जुलूसों का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो चुका था। राजनपुर में 51 जुलूस जिला भर में निकाले जा रहे हैं। अगर बड़े जुलूसों की बात कर ली जाए तो जामपुर, फाजलपुर, रुझान और शिकारपुर में बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। साथ ही राजनपुर में जो बड़े जुलूस है वो अब उनका आगाज हो चुका है। मरकजी जुलूस जो है मरकजी इमाम बारगाह जाफरिया से स्टार्ट हुआ है, जो कि अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। यही जो जुलूस है या दरा मच्छी वाला पर 2 मील के मकाम पर आकर इकट्ठा होगा, जहां पर जो है तमाम जुलूस इकट्ठे होंगे और इसके बाद ये जुलूस जो है मरकज इमाम बारगाह की जानिब दोबारा रवा दवा होगा और बाद नमाज मगरिब ये जाकर इख्तिताम पजीर होगा, जिसके बाद शाम गरीबा मनाई जाएगी। इसके साथ साथ जो जायरीन है यहाँ पर ना सिर्फ मर्द खवातीन बल्कि बच्चे भी मौजूद हैं और पुरसा पेश किया जा रहा है हजरत इमाम हुसैन और उनके अहले खाना को और उनकी कुर्बानी को याद किया जा रहा है कि उन्होंने हक के लिए अपनी जान निछावर की। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है रास्तों में सबीलों का भी एहतमाम किया गया है, एजादार हैं जो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। सिक्योरिटी की अगर बात कर ले तो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 3 से 4 जगहों पर चेकिंग के बाद लोगों को जुलूस में दाखिल होने की इजाजत है। रेस्क्यू 112 और दीगर जो अमला है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है, जो अपने ड्यूटियों के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। आखिर में अगर मैं जुलूस की बात करता चलूँ तो ये जुलूस बाद नमाज मगरिब इख्तिताम पज़ीर होगा। जी खबर, बहुत शुक्रिया आपके लिए।